हाँ भाई, घर कब खाली कर जा तू? घर खाली? वो मैं क्यों करूंगा घर खाली? क्यों करेगा, मैं रहूंगा इसमें, इस मारे करेगा खाली। तो भाई मैं कहाँ रहूंगा? तू खेत वाली जमीन पे रह ले। मैं क्यों रहूं खेत वालों घर पे? तू जाके रह ले। मैं क्यों रहूं, मैं बड़ा हूँ, मैं रहूंगा यहाँ पे। जब तू बड़ा है तो छोटा मैं भी हूँ, जितना अधिकार तेरा है इस घर पे उतना मेरा भी है भाई, मैं भी इसी घर में रहूंगा। देख मेरी होने वाली शादी, मैं रखूंगा अपनी बहू को लाके यहाँ पे। अब जब तेरी शादी होने वाली है तो जाकर अपनी बहू के साथ खेतों वाले घर पर है, मैं क्यों रहूं खेतों में? मैं क्यों रहूं, तू रहेगा। मेरे से बकवास मत करे, मैं थप्पड़ मार दूंगा। तू कैसे मार देगा भाई थप्पड़? तू बड़ा तो इसका मतलब थोड़ी ना तू कुछ भी बोला जाएगा और मैं सुनो जाऊंगा। मैं बिल्कुल ना सुनने का हूं तेरी। और सुनेगा ना? अबे तू मेरे से बकवास मत करे, तू जा यहां से। मैं कह रहा हूं खाली कर दे इस घर को। मैं ना करने का घर खाली। अरे भाई क्या हो गया, क्यों झगड़ा कर रखा तुम दोनों ने? पापा तुम इसे समझाते क्यों ना हो, ये बड़ा तो ज्यादा बन के दिखाएगा। अरे क्यों हुआ, मतलब क्या बात हो गई, किस बात पे झगड़ा कर रखा तुम लोगों ने? अरे नु कह रिया, नु तू घर से निकल, तू इस घर में ना रहने का। मैं क्यों नहीं रहूंगा इस घर में? क्यों भाई, क्या बात हो रही है यूं? अब मेरी शादी होने वाली, मेरी बहू कहां रहेगी? अरे भैया दोनों इसी घर में रह लिए, क्यों लड़ रहे हो आपस में? दोनों भाई हो तुम, दुश्मन तो होना ही दूसरे के। दुश्मन ना तो क्या हो गया, यू जाके खेत वाले घर में रहेगा। मैं ना रहने का इसके साथ, देख लो अभी कर रहा ना मुझोरी। तू भी चुप हो जा, तू छोटा है, कम से कम तू तो तमीज रख ले, तू बड़ा है, तू लड़ेगा इससे तो जवाब ये भी तुझे देगा। समझा दो इसे, मेरे से बकवास करने की कोई ज्यादा जरूरत ना इसे। अरे भैया समझा दूंगा, तू भी कम बोलेगा थोड़ा। मेरी शर्म करता ना बिल्कुल भी। अरे शर्म तो तू भी बहुत कर रहा है मेरी, दिख रहा है मुझे, और तू भी कम बोलेगा, दोनों में से कोई शर्म कम नहीं है तुम में से। देख आज तो बाबूजी की शर्म कर रहा हूं मैं, मेरी शादी होने से पहले पहले इस घर को खाली कर दिए। देख रहे हो बाबूजी इसका, मैं तो नु कह रहा हूं तुम बंटवारा कर दो हम दोनों का भी। हाँ करूंगा बंटवारा, ना घर का मालिक तू है ना तू है, इस घर का मालिक मैं हूँ। बंटवारा कब करना है कैसे करना है वो मैं फैसला करूंगा, तुम दोनों कौन हो बंटवारा करने वाले? चल तू निकल यहां से। मैं तो जा रहा हूं, उससे कह दियो। हाँ हाँ कह दूंगा मैं। देख रहे हो तुम कितनी मुजोरी कर रहे मेरे से। चुप हो जा, तू भी मुजोर कम ना है, तेरा बड़ा भाई है वो, कोई बात कह भी रहा है तो तू उल्टा जवाब देगा उसका। अरे मैं तो चुपचाप बाहर को जा रहा था, आके मेरे से कहने लगा नु घर खाली कर। यू तेल ले जा और जाकर ट्रैक्टर में गिर दे, खेत की जुताई होगी। सारे काम मैं ही करूं, वो ना करने का कुछ भी। चला जा, नहीं मैं चला जाऊंगा। भगवान क्या होगा मेरे घर का, दोनों लोंडे आपस में लड़ते ही रहे हैं, ऐसे समझे हैं दूसरे को जैसे दुश्मन हो, कब इनका प्यार जागेगा? गोमती तू कहां चली गई इन्हें छोड़ के मेरी छाती पे, भगवान तू ही मालिक है बस। अरे नितिन बेटे, अरे एक गिलास पानी पिला दे। नितिन है भाई, तू इस फोन में लगा पड़ा, बाबूजी इतनी देर से आवाज लगा रहे हैं कि मुझे पानी दे दे, तू पानी दे ना सकता? पहले बात तो यो, उन्होंने नाम तेरा लिया ना कि मेरा, उन्होंने नु कही है नु नितिन एक ग्लास पानी ला दे, तो मैं क्यों जाऊं? तू जा, तू दे पानी जाके। अब जब मुझसे भी कही है तो तू तो दे से गया है, अब आज तो ते आई है पहले। मैं क्यों दूं, जब उन्होंने मुझसे कही ना पानी देने को तो मैं क्यों जाऊं पानी देने? तू जा, तुझे कही है? तू छोटा है, छोटा बनकर रह ले। अबे मेरे से ज्यादा फालतू बकवास करने की जरूरत ना, पिट जाएगा तुझे यहाँ से, पानी दे दे उन्हें। तू मारेगा मुझे? अबे चला जा, बकवास मत करे मेरे से। अपने बड़े पे हाथ उठाएगा? हाँ उठाऊंगा। उठा कर दिखाइए। ये दोनों भी कभी ना सुधरने के, हर वक्त लड़ते ही रहे। मैं मार दूंगा, चल जा। जा पिट जाएगा तुझे। मैं कह रहा हूँ मैंने मुजोरी मत ना करे। मुजोरी कर जा मुझसे। तेरी हिम्मत, तूने मेरे पे हाथ उठाया। भैया क्या हो गया भैया, क्यों लड़ रहे हो, अब क्यों हाथापाई कर रहे हो? पापा पहले तुम मुझे बताओ, तुमने पानी को मुझसे कही थी कि इससे, जब तुमने नाम इसका लिया पानी के लिए तो पानी यही देकर आएगा ना, तो आके मेरे से मुजोरी क्यों कर रहा है फालतू में? रे भैया तुम मुझे कोई सा पानी मत दो, मैंने गलती कर दी तुमसे पानी मांग के, मैं खुद पी लूंगा, पर झगड़ो मत भैया, लड़ाई मत करो। ऐसे क्यों ना करें, जब मेरे से आगे फालतू में बकवास करेगा तो मैं तो मारूंगा इसे। ये तुमने बिगाड़ रखा। हाँ भैया मेरी गलती है, मैंने तुम दोनों सिर पर चढ़ा रखे हो, मेरी गलती हो गई, मैंने तुमसे पानी की कह दी, मैं खुद पी लूंगा लेकर, पर झगड़ा क्यों कर रहे हो भैया, क्यों लड़ रहे हो? जो सारी करामात तुम्हारी आज।
जो ही मुझसे लड़ लिया। अरे भैया तू तू लड़ाई झगड़े मत करे कर। अरे ये छोटा है, चल यूं ज्यादा बोल रहा है तो तू थोड़ा कम बोल ले कर। मैं तो आकर चुप अपना फोन चला रहा था, यहाँ आके यूं ही मेरे से लड़ने लगा। हाँ भैया तू तो चुप ही रह रहे है, यूं ही बोल रहे होगा मुझे पता है। इनने मेरे मानने के यहाँ चलाया है तो तुम क्यों लड़ रहे हो? कोई मोहल्ले वाला कोई तुम्हें देखेगा तो तुम पे हंसेगा कि दोनों भाई भाई होके आपस में कैसे लड़ रहे हो, कसाइयों की तरह। इस तमीज नाम की चीज ना, इनने बड़े पे हाथ छोड़ा आज। मैं तो छोड़ूंगा ही, जब ये पिटने वाले काम करेगा तो। अब तो भैया मुझे भी तुमसे डर लगने लगा, कहीं किसी दिन तुम मेरे ऊपर हाथ ना उठा दो। अरे बाबूजी हम तुम पे क्यों हाथ उठाएंगे, इसे समझा लियो मैं तुम्हारी शर्म कर जाऊँ, या तो ये घर छोड़ देवे वरना धक्के मार के बाहर मैं निकाल दूंगा इसे। तुम दोनों ही शर्म कर लो भैया, ये मोहल्ले वाले तुम्हें चारों तरफ से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हंस रहे होंगे तुम्हारे ऊपर कि कैसी औलाद है मेरी, एक दूसरे के ना हो रहे। अरे भाई हो तुम भाई, कटरे की तरह एक दूसरे पे खुंस कर रहे हो। देखो इससे कह दो जाकर रह ले खेतों वाली जमीन पे, मेरे से भी इसकी शक्ल न देखी जाती बिल्कुल भी। अगर मेरी शक्ल ना देखनी ना तो तू रह लेना खेतों पे जाकर। अबे भैया तू तू कहां जा रहे, तू जा। मैं तो जा ही रहा था, इनने जान दिया। जा भैया मैं खुद लेकर पी लूंगा पानी, गलती हो गई मेरे से जो मैंने पानी मांग लिया तुमसे। तो भगवान क्या होगा इस घर का, ये दोनों लड़के तो मेरे आपस में कति बनती ही ना है इनकी। हे राम जी अब तेरे हाथ में इन दोनों की डोर। हे भगवान क्या होगा मेरे दोनों लौंडों का, मेरे तो घर का कति नाश हो लिया। भगवान तू ही कुछ कर सके अब तो। अरे चाचा राम राम। अरे राम राम नन्हे बेटा कैसा है? मैं तो ठीक हूँ, और सब ठीक है? बढ़िया बेटे, बस कुछ ठीक ना चल रहा बेटे हमारी जिंदगी में तो। क्या हो गया, कहाँ से आ रहे हो बेटा? इस उम्र में भी काम करना पड़ रहा है बता। अच्छा, अरे वो मैं कल उधर को गया था चौराहे पे, को तो निकलते हुए तो बराबर में देखा तो तुम्हारे घर में शोर समझ रहे थे, ऐसा लगे तो दोनों जने लड़ रहे बताइए। अरे बेटे अब तुझसे क्या छुपाना, दोनों लड़कों ने नाक में कति दम कर रखा है, दोनों हमेशा लड़ते ही रहे हैं 24 घंटे घर में राड़ राड़। भाई हैं पता ना कसाई हैं, इतना झगड़ा तो कभी किसी घर में होता भी ना होगा जितना हमारे घर में हो रहा है। ये समझ ले कि घर में एक प्रकार से आग सी लग रही है। अरे वो बड़ा वाला तो पढ़ा लिखा अच्छा खासा समझदार है, वो मेरे बड़े वाले भाई साहब के साथ में पढ़ा हुआ। अरे बेटे ऐसी काय की समझदारी, 24 घंटे लड़ता रहे छोटे वाले भाई से, उससे राड़ करता रहे है, हाथ भी उठा दे उसके ऊपर, और कम छोटा वाला भी ना है वो उससे बड़ा होने को तैयार है। बस हमारे तो घर का नाश हो लिया। मैं इसी बात को कह रहा हूँ, इस हिसाब से तो जो है घर बर्बाद हो जाएगा, आगे को तो नहीं देखना है। तुम तो देखो यहाँ तक ले आए घर को खींच के। बर्बाद होने में कमी भी क्या है रन्ने बेटे, सिर में दर्द हो रहा है, पता ना क्या होगा हमारे घर का, हमें तो कुछ समझ में ना आ रहा। बुढ़ापे में सारे काम हमें करने पड़ रहे हैं, खेत का मैं देखूँ, घर का मैं देखूँ, ट्रैक्टर ट्राली सब कुछ मैं ही चला चला के हार गया। बस अब तो कतई उम्मीद टूट गई बेटे। वैसे बेटे तू कहाँ से आ रहा है? अरे मैं जो है थोड़ी सी गेहूं में पानी चलवा के आ रहा था, मुझे तो स्कूल से फुर्सत नहीं मिलती, अब वो पिताजी की जो है तबीयत खराब चल रही है तो इस वजह से वही देख ले रहे थे, तब मुझे करना पड़ रहा था। बेटा तेरे पापा तो बड़े खुश नसीब हैं कि तुझ जैसी औलाद है, एक तू है कि अपने पापा का इतना ख्याल रखा है, और हमारे तो दो दो हैं, उसके बावजूद भी सब कुछ हमें ही करना पड़ रहा है, हमारे तो कोई बुढ़ापे की लाठी बनने को भी तैयार ना है। अरे मैं ये सोच रहा था, कहने तो ना चाहिए नुकोगे, लेकिन फिर मुझे एक बात समझ में आ रही है कि तुम मेरी बात पे ध्यान दो तो। बेटा अगर कोई तरीका है तेरे पास हमारे औलाद को सुधारने का तो बेटा बता दे, हम वो भी करके देख लेंगे। क्योंकि हमारे रिश्तेदारी में भी एक ऐसी मामला बन गया था, तो वो हमारे पिताजी ने बताई थी ना एक बात, तो वही बात मुझे याद है, तो वही बात मैं तुमसे बता दूँ, तो सुन लो फिर। अच्छा बेटे चल, तरीके तो हमने बहुत करके देख लिए, रिश्तेदारों से भी बुलवा के देख ली, पर सुधरने को तैयार ना है औलाद, पर तू जो बता रहा है इसे भी करके देख लेंगे, क्या पता कुछ हमारे घर का कुछ हो ही जावे। वही तो देखो खर्चा तो हर जगह होगा, लेकिन जो है इसे और देख लो मेरी राय से, क्योंकि मेरे पिताजी ने भी देख रखा मामला सही था। चल बेटा अगर कुछ हो जाएगा तो तेरा एहसान हमकी जिंदगी भर ना भूलने। अरे चाचा कैसी बात कर रहे हो तुम, हम भी तुम्हारे पले बड़े ही हैं। अच्छा मैं चलूं? ठीक है बेटा। अच्छा राम राम। राम। एक यो है कितना ख्याल रखे अपने बाप का, और एक मेरी औलाद है
कतई निकम्मी। हे भगवान, जो तरीका इसने बताया है बस वो काम कर जावे। राम राम। ओ हीरो, बाइक लेकर कहाँ? अच्छा तो मैं तुझसे पूछ के जाऊंगा अब जहाँ जाना होगा मुझे। हाँ तो जाना है तो जाना, पर बाइक लेकर क्यों जा रहा है तू? यह बाइक मेरी है। किसने कहा है तेरी बाइक है? ये मेरी बाइक है, बाबूजी ने मुझे दिलाई है ये बाइक। तुझे दिलाई है? अरे बाबूजी ने बाइक ना तुझे दिलाई है ना मुझे दिलाई है, ये बाइक ना हम दोनों की है। और इस बाइक में ना कल 100 रुपए का तेल मैंने डलवाया था, और जब तक वो तेल खत्म नहीं हो जाता मैं बाइक को कहीं लेकर जाने नहीं दूंगा तुझे। हाँ तो वो पैसे भी तूने बाबूजी से लिए होंगे। तो क्या हुआ, मैं काम नहीं करता हूँ इस घर में? क्या काम करता है तू? सारा काम मैं ही करता हूँ घर का, और तू क्या करता है? मैं सारा काम तो मैं ही करता हूँ। अरे रहने दे, पूरा दिन तो खाली पड़ा रहता है, खाटों पर लेट मारता है और बोलता है कि मैं कर रहा हूँ काम। ओए ले पहले चाबी दे मुझे तू। अरे दूर रह, मैं चाबी भी नहीं दूंगा बिल्कुल भी। हाँ देख चाबी दे दे, नहीं पिट जाएगा तो मेरे हाथों से। तू पिटेगा मुझे? हाँ हाँ मैं पीटूंगा, मैं बता रहा हूँ मैं पीट दूंगा तुझे। क्या हुआ बाबूजी, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्यों क्यों हंस रहे हो, पागलों की तो नहीं हो? यहाँ हम लड़ाई कर रहे हैं और तुम हंस के दिखा रहे हो हमको। मैं इस मारा हंस रहा हूँ क्योंकि आज तुम दोनों हंसने के लिए मोहल्ले वाले नहीं है ना, तो इसलिए उनका काम मैं कर रहा हूँ आज। बाबूजी तुम्हारा चेहरा देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम हमारी बातों पर हंस रहे हो, मुझे तो बात कुछ और ही लग रही है। अरे बेवकूफो, मैं इसलिए हंस रहा हूँ, तुम थोड़ी सी जमीन और छोटी सी बाइक के लिए लड़ रहे हो, जबकि तुम्हारे पास तो बहुत बड़ा अनमोल खजाना है। अनमोल खजाना? हाँ बाबूजी, आज से पहले तो नहीं बताया तुमने हमें अनमोल खजाने के बारे में। अरे बताता तो जब तुम दोनों लड़ने से फुर्सत लेते, आज मौका मिला तो बता दिया। बेटे इतना खजाना है, अगर तुमने वो पा लिया ना तो तुम दोनों इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। क्या सच में बाबूजी? बिल्कुल सच बात है। तो बाबूजी हमें जल्दी से लेकर चलिए ना वहाँ पर। ना बेटे अभी मेरे पास टाइम ना है, फिर कभी चलेंगे। अरे ना बाबूजी आज ही चलते हैं ना। हाँ जब तुमने बात छेड़ दी है तो फिर लेकर चलो ना हमें वहाँ पर। नहीं फिर कभी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बाबूजी ले चलो ना हम उस खजाने के पास, अगर कल कला को तुम्हें कुछ हो गया तो हम तो ऐसे रह जाएंगे, हमें तो कुछ नहीं मिलेगा। बेटे ये बात तो तूने बिल्कुल ठीक बोली है, अगर कल कला को मुझे कुछ हो गया तो खजाना तो ऐसे दबा रह जाएगा, तुम्हें मिलना पाने का है। हाँ तो इस मारे तो कह रहा हूँ मैं, चलो जल्दी। हाँ, चलो। वैसे बाबूजी उस खजाने में है क्या? सोना है, हीरे हैं, मोती हैं, जवाहरात हैं, क्या है? बेटे जो कुछ भी है जाके तुम्हें पता चल जाएगी, पर दोनों आपस में लड़ियो मत, बराबर बराबर बांटियो। हाँ बराबर बराबर बांटेंगे। अरे बाबूजी तुम हमें खेतों पर क्यों ले आए? यहाँ कौन सा खजाना दबरिया? मुझे लगा तुमने एक मदाब रखा दिखे। जल्दी निकालो फिर, क्या फायदा वो गलगलाया जावा दबा हुआ, जल्दी बता दो अब। हाँ पिताजी बताओ कौन सी क्यारी में है खजाना। बेटा खजाना सब कुछ यही है, कम से कम मुझे टाइम तो दो। अरे जल्दी बताओ, रुका ना जा रिया, तुम हमें खजाना दोगे तो हम उसे निकाल के अपना घर बनाएंगे एक बड़ा सा। हाँ पहले एक काम करो, तुम दोनों ना एक एक लकड़ी लेकर आओ। लकड़ी का क्या करेंगे हम? अरे बेटा लेकर तो आओ, कुछ काम तो बताओ लकड़ी से। भैया खजाना उससे खोदोगे ना। अच्छा अभी जा रहे, एक एक लकड़ी लेकर आओ। अबे जल्दी आ, इनके कल ठिकाने लगाने का बस एक ही रास्ता है, बस भगवान अगर तूने साथ दिया तो साज मेरी औलाद संभल जाएगी। ये लो बाबूजी, ले आए एक एक लकड़ी। लो बाबूजी। एक काम कर बेटे, इस लकड़ी के दो टुकड़े कर। टुकड़े? तुम तो नुकारे खजाना खोदेंगे। अरे बेटा जितना कह रहे हैं उतना कर, इस लकड़ी के दो हिस्से कर। यार बाबूजी का दिमाग खराब हो गया दिखा है। तोड़ जल्दी। लो टूट गई। अब बेटा तू कर। मैं भी तोड़ू इसे। दो हिस्से कर बेटे। लो हो गए।
अब इस लकड़ी के हिस्से कर। इसके क्यों करवा रहे हो अब? तोड़ तो सही बेटा, जान तो लगा, इस लकड़ी को बीच में से तोड़। लगाओ, जोर लगाओ, जोर से। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या बाबूजी? जोर से बेटा। अरे इतनी सारी लकड़ी कैसे टूट जाएंगे एक साथ? शांत रह। मुझसे न टूट रही है। न टूट रही ना? ना। तू तोड़। लगा बेट, अपना बल लगा बेटे, तोड़ के दिखा लकड़ी, खूब जान लगा ले। तोड़ बेटा तोड़, टूटेगी शायद, टूट जाए। तोड़ो, तू पकड़ दोनों तोड़ेंगे। जान लगाओगे तो टूट जाएगी। ना टूटने की, तुम ही उल्टी बातें कर रहे हो। इस बात से कुछ समझ में आई, कुछ अकल आई? लकड़ी से क्या समझ में आएगी, तुम भी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। ये तुम्हारा दिमाग चल गया क्या थोड़ा बहुत? लगा तो मुझे भी ऐसी ही है। बेटा मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ, तुम दोनों का दिमाग ठिकाने लगाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया है। तुम कहना क्या चाह रहे हो, साफ साफ बताओ। बेटा बहुत साल पुरानी बात है, हम भी दो भाई थे बिल्कुल तुम्हारी तरह, मेरा भी एक भाई था। बेटा हम दोनों में भी हमेशा जमीन जायदाद को लेकर झगड़े होते रहते थे, हर दिन एक नया झगड़ा। इसी बात का फायदा उठाकर गांव के लोगों ने हमारे बीच में फूट डलवा दी, मेरे भाई को अलग कर दिया और मुझे अलग, और हमारी जितनी संपत्ति थी, जितनी भी हमारी जमीन जायदाद थी, सब पर कब्जा कर लिया, क्योंकि हम दोनों में फूट पड़ चुकी थी। मैं अलग हो गया था और मेरा भाई अलग। तो बाबूजी हमें क्यों बता रहे हो इसके बारे में? तुम तो यहाँ खजाना दिखवाने आए थे हमें, खजाना बताओ जल्दी कहाँ है। बेटा ये लकड़ियाँ जब मैंने तुम्हारे हाथ में एक एक करके दी तो तुमने बड़ी आसानी से तोड़ दी, तोड़ी या नहीं? हाँ तोड़ दी। और जब ये लकड़ियाँ मैंने एक जगह इकट्ठी कर दी तो कहीं तुमसे टूटी? पापा जी कैसे उल्टी सीधी बातें कर रहे हो तुम ये? अरे जब ये अकेली थी तो तोड़ दी आसानी से, जब तुमने एक जगह इकट्ठी कर दी तो ये कैसे टूट जाएंगी? इनकी पावर तो बढ़ गई ना अब। यही समझाना चाहता हूँ बेटा मैं तुम दोनों को, तुम दोनों ऐसे अकेले अकेले रहोगे, आपस में झगड़ा करते रहोगे तो लोग तुम्हारी चीज का फायदा उठाएंगे, तुम्हें तोड़ेंगे और तुम्हारे घर पर कुछ दिन बाद कब्जा कर लेंगे। बेटा इतिहास गवाह रहा है, लोगों ने आपस में फूट डाल के ही हम लोगों पर कब्जा किया था, अंग्रेजों ने भी यही किया था हमारे साथ। तुम कब समझोगे बेटा, एकता में बहुत शक्ति होती है। मेरे बच्चों मैं चाहता हूँ कि तुम भी एक साथ मिलकर रहो, एकजुट होकर रहो। अगर तुम एक साथ रहोगे ना तो किसी में इतनी ताकत नहीं कि कोई तुम्हारा बाल भी बाका कर दे। इन लकड़ियों की मदद लेकर मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था, एक साथ रहोगे सुरक्षित रहोगे, अकेले अकेले रहोगे तो इन लकड़ियों की तरह तोड़ दिए जाओगे। बाबूजी हम अब सब कुछ समझ गए हैं कि आप हमें क्या समझाना चाहते थे। हम आपसे वादा करते हैं, हम दोनों भाई आज के बाद ना ही तो लड़ाई करेंगे और ना ही झगड़ा करेंगे, आप देखना हम दोनों एक होकर रहेंगे। बेटा इस चीज से बड़ा कोई खजाना नहीं, दो भाई एक साथ मिलकर रहें, इससे बड़ा अनमोल खजाना और कोई नहीं हो सकता। इसी खजाने की तो मैं बात कर रहा था। मेरे बच्चों आपस में मिलजुल कर रहो। बाबूजी हमसे अनजाने में जो गलती हो गई है उसके लिए हमें माफ कर देना, आज के बाद हमसे कोई गलती नहीं होगी। हाँ पिताजी वो सही कह रहा है। आपस में एक दूसरे के गले लगो और एक दूसरे से माफी मांगो, और आज के बाद तुम ऐसे कोई गलती नहीं करोगे। भैया मुझे माफ कर दे। और तुम भी मुझे माफ कर देना, मैं आज के बाद तुमसे कभी नहीं लड़ूंगा। कोई बात नहीं मेरे बच्चों, एकता में बहुत शक्ति होती है, एकता से बड़ी कोई ताकत नहीं मेरे बच्चों।